तुमने चिकन ऑर्डर किया है, तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा जो खुद पॉइजन लेना चाह रहा है। सब मेरी बात सुनो दोस्तों, आज हम सबको अपना बेस्ट देना है क्योंकि ये एक कलेक्टिव वर्क है। तुम सब मिलकर मुझे अपने अपने अपडेट्स बताओ जल्दी। सनन तुम प्रिंटआउट्स ले आई हो? जल्दी रेडी हो जाएगी। एजे तुम आज के लिए ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम डिजाइन एक्सप्लेन करोगी, ठीक है? ठीक है। और उसका नाम क्या है? मेटे। मेटे तुम स्क्रिप्ट राइटर रहोगे। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए सब कुछ आराम से याद कर लो क्योंकि आज तुम मीटिंग पर स्क्रिप्ट के बारे में बात करोगे। यस यस। सही है। वोल्कन से कोई न्यूज? वो तो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, वो नहीं आ सकता। उसने कहा कि मैं अच्छा। चाहता हूँ आना लेकिन नहीं आ सकता, उसने तो मीटिंग टेबल पर ही सबके सामने उल्टी कर दी। जे, जे, मुझे इन बातों की डिटेल्स नहीं चाहिए। तुम मीट खाते हो ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे भी पॉइजन हो गया। बस बहुत हुआ, मैं बिना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के अकेले ये सब कैसे मैनेज करूंगी? पता नहीं ये सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, वो अकेली है जिसे सब कुछ अच्छे से पता है, इस कैंपेन के बारे में एक ही डिटेल्स जानती है वो। नहीं। हाँ यही होगा और वो ही ये करेगी। क्या हुआ सनम? बात ये है कि तुम वोल्कन की जगह आज की मीटिंग की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। नहीं, मैंने वो सब कर दिया है जो मुझे करना था। ये रहा सब, सब तैयार है, ये मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो सनम, तुम कर सकती हो, तुमने इससे पहले भी किया है, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, प्लीज। हाँ कर सकती हो सनम, ट्राई करो, ट्राई ट्राई। Yes, हाँ, yes. तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। yeah. तुम कर सकती हो, ब्रो, हमारी रिप्रेजेंटेटिव मिल गई। नो नो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों सनम, तुमने तो पहले भी किया है ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अब मान जाओ, प्लीज तुम आशी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ सनम, प्लीज। बिल्कुल करूंगी मिस डेरन, क्यों नहीं। यस वेरी गुड। देखो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना जब तक तुमसे कुछ पूछा ना जाए, ठीक है? मुंह बंद रखना। मिस डेरन, मिस डेरन, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या मुझे कोई बताएगा कि बुरी खबर क्या है? इनकी स्टिक कितनी अच्छी है। जे जे कौन है ये औरत? ये तो चिकन क्वीन है, इस देश में जितने चिकन हैं उनकी मदर है ये। ये बहुत गुस्सेल औरत है, वो जब भी आती है कोई ना कोई क्राइसिस आता है, और इनके आने के बाद एक और क्राइसिस आता है। कैसे हो मेरे बच्चों? हाँ थैंक यू। वेलकम मिसेस रेमेडे, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा सरप्राइज है, कैसी आप? मेरे मैनेजर ने मुझे पहली मीटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और खुद सब कुछ देख लूँ। हम रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, प्लीज। हम इस एजेंसी के साथ 40 साल से काम कर रहे हैं, अजीज के बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा यहीं आकर देख लूं, पर सब के सब यहाँ अजीब है। मैं देख रही हूँ यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। भूलो मत, मुझे तुम लोगों के साथ एक कैंपेन करना है, पर देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और ही माजरा है।
ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल राइवल कंपनी ने हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई थी, इसीलिए ये सब हुआ है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हमने कैंपेन तैयार कर रखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब मीटिंग रूम के अंदर चलो, जल्दी। जी जी। मिसेस रमिद है, कैसी हैं आप? कैसे हो मेरे बच्चे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। अजीज कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छे हैं, अभी दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर गए, जल्दी लौटेंगे। जानती हूँ, बीच बीच में बात होती रहती है। उन्हें मेरा हेलो कहना। बिल्कुल कहूँगा। क्या आप चले? हम प्लीज आइए। अब तुम लोग जाओ और मेरा बाहर इंतजार करो। यस। तो मिसेस रेमिडी, मैं आपको आज के फाइनल डिजाइन दिखा रही हूँ, ये रहे। इन सब में मुझे सिर्फ ये आइडिया अच्छा लगा, अब चैलेंजिंग चिकन। अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इस पर अच्छे से काम करना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये तुम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी आम इंसान का आइडिया है, समझ रहे हो ना तुम? तो किसका आइडिया है ये? अगर कहीं से चुराया है तो नहीं चाहिए मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है मिसेस रेमिडे, हमने इस कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किए हैं, हम जानते हैं कि आपको दरअसल क्या चाहिए। जी ऐसा क्यों है कि इस मीटिंग में केवल तुम ही बात कर रही हो? क्या कहा आपने? ओह आंटी रेमिडे, सो नाइस टू सी यू। मेरे स्मार्ट बच्चे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। I'm sorry, actually, मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे कैसी हैं? अच्छी हूँ बेटा। I hope इन लोगों ने आपका सही से वेलकम किया होगा। क्यों, सही से वेलकम किया था ना? हाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जान, अगर चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम जी, इट्स ओके। प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं। जान, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। ये आइडिया अच्छा है, पर ये लोग समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताकि हमारी सेल बढ़े, इसलिए आप लोगों पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समझ लेना सब के सब। लेकिन ऐसे नहीं होगा। चुप रहो, इधर ही देख रही है। चुप रहो। तुम बोलना जानती हो? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैम, मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे गलत मत समझिए। सनम चुप रहो, तुम जो बोल रही हो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। डरन, आगे बोलो सनम, आगे बोलो। मैंने बात शुरू की है तो मैं बोलूंगी। मिस रेमिडे, आप एक ऑर्गेनिक बेत इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन करती है। आपके बेटों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसलिए वो इसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है। और उन्होंने चिकन के नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये है सिर्फ 3। और मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ चिकन से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। जान, कौन है ये? ये सनम है। सनम एक काफी होशियार, क्रिएटिव और ऑनेस्ट लड़की है। ऐसी एम्प्लॉय है जिसे हम कभी भी किसी हालत में खोना नहीं चाहते। तुमने बिल्कुल सही कहा लड़की, मुझे इन बनावटी बातों से नफरत हो गई है। मुझे तुम जैसे खुले दिल वाले लोग पसंद है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं उनकी गलतियों से वाकिफ हूँ और अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सनेम, ये प्यार है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं,
तब हमें उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के साथ उन्हें अपनाना होता है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ रुको। सनेम, चलो मेरे साथ चलो। जी मिस रेमिडे। ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। एक काम करो, जान तुम्हें लेने आ जाएगा, चलेगा ना जान? तो जान, तुम ही सनेम को लेकर आओगी। मैं नहीं आ पाऊंगी। 7 बजे फैक्ट्री पर आ जाना। जी जान, मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद निकलती हूँ। ऑफ कोर्स प्लीज। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। गुड बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो एक सपने की तरह था। इनकी तो बात ही अलग है, जब भी वो बात करती है तो बस सुनते रहो। पावरफुल औरत है, बहुत पावरफुल। बोलो एलन। हाय हनी, कैसे हो? अच्छा, लेकिन बिजी हूँ। ठीक है, आज रात को मैं खाना बनाने वाली थी तुम्हारे लिए, क्या तुम आ सकते हो? नहीं, आज नहीं आ सकते। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज के बारे में कुछ सोचना है। अब क्या सोचना है अमरे? एलन, जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में? कल रात तो तुम ऐसा नहीं सोच रहे थे। एलन, तुम जानती हो तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बात को समझो, ठीक है? मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉल न करूँ, मुझसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हो, यही बात है ना? हाँ, ऐसा ही समझो। ओके अमरे, ठीक है, जैसा तुम चाहो, आराम से चलते हैं। तुम बस देखते जाओ अमरे, अगर मैंने ये रफ्तार न बढ़ा दी तो कैसे हो? काम के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता, मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस डेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ, कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा, तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस। सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जे जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनेम ने रिजाइन कर दिया? हाँ, आज उसका आखिरी दिन है। वो एक्चुअली, आंटी, आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी जान, मैं किसी को कुछ कहूं तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी।
यार सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? तुम कैसे उनके बेटों की कंप्लेन उनसे कर सकती हो? वो बड़ी बॉस है, विश्वास नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। आज के रूम में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इनफ, मैं अपना काम खत्म करूंगी और घर चली जाऊंगी, दैट्स ऑल। अब ये क्या लगा रखा है? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तभी तुम ऐसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगे? ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है टुकड़ों में। यस सनम, सनम मैं कैसे तुम्हारा दिल तोड़ूंगा? उससे अच्छा मैं अपना सिर ना फोड़ दूं। दिलारा, तुमने सनम को देखा क्या? नहीं मिस्टर जान, मैंने नहीं देखा। ओके, सनम को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा सर। जान, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। और तुम? हाँ अच्छी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस्टर जान। मिस्टर जान, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं हाँ गलीना, हाँ गलीना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे, इसीलिए मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। गलीना, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल शायद जी ड्राइव में होगी। गलीना है अल्फाबेट हाँ। जी से, तो जी फोल्डर में होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ हाँ, तो गलीना होना चाहिए जी फोल्डर में। ओके थैंक्स, मिल गई मुझे फाइनली गलीना। मिल गई। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे फाइल मिल गई। ठीक है। वैसे तुम यहां से क्यों काम कर रही हो? यहां आराम से काम होता है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम श्योर हो किसी से भी? एक्चुअली मुझे ठीक है, फिर मैं चलता हूं। ओके बाय। ठीक है बाय, टेक केयर। बाय। मिस्टर जान, आज आपने हम सबको बचा लिया, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता उस मिस रेमेडी की वजह से। अरे वो एक बहुत प्यारी औरत है। हाँ शायद आपके लिए तो होगी ही। हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, सच में। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मिस्टर जान, मैं यहाँ 7 बजे की मीटिंग में जाने के लिए आई हूँ मिस रेमेडी के साथ, तो क्या हम अब चले? मैंने कार अरेंज कर दी है, तो ड्राइवर तो मैं लेने आएगा और मैं वहां पर अपनी ही कार से आऊंगा। ओके ठीक है, सी यू। या सी यू मिस्टर जान। ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए।